अस्सलामु अलैकुम SLS स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। और उम्मीद करती हूँ कल का लेसन भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आता तो मज़ीद आप कॉन्टैक्ट करके क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। आज हमारा लेक्चर नंबर टू है, कंटेंट नंबर थ्री और यूनिट नंबर टू। यूनिट नंबर टू का कंटेंट नंबर थ्री आज हमने रीड आउट करना है। उसमें देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ है। आपको जैसा लेसन का नेम पता है, मैप रीडिंग स्किल्स हम जान रहे हैं कि मैप रीडिंग स्किल्स हैं क्या और ये किस तरीके से हम मैप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। मैप को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी चीज़ों में हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या ख्याल है, आज हम अपना लेसन नया स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 25 ओपन कर लें। चलें जी, आपने अपनी बुक ओपन कर ली। अच्छा, कंटेंट नंबर थ्री, क्या नाम है कंटेंट नंबर थ्री का? फीचर्स ऑफ मैप्स। मैप्स के फीचर्स या वो मेन पॉइंट्स जिसकी मदद से हमें मैप को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है या जिसकी हेल्प से हम मैप को ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास मैप में ज़्यादातर जो है वो बेसिक फोर फीचर्स हैं, ठीक है, जो कि हमें मैप की डिटेल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टाइटल। व्हाट इज़ टाइटल? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड टाइटल? टाइटल मीन नेमिंग। आपकी जैसे बुक का टाइटल है, ठीक है, आपकी बुक का टाइटल क्या दिया हुआ है? आपकी बुक कौन सी है? SST की। आपको फ़ौरन ही टाइटल पढ़ते पता लग जाता है कि ये बुक किस से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से आप कोई टॉपिक पढ़ने लगते हो, कोई सबक पढ़ने लगते हो, तो उसके ऊपर जो उसका नेम दिया होता है उस नेम से आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो उस नेम से कि ये इस चैप्टर के अंदर इस फ्लॉ टॉपिक से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। अब जैसे कि हम मैप से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो फीचर्स ऑफ मैप पढ़ते ही हमें ये समझ आ जाती है कि हम मैप के फीचर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें मैप तो पता है कि मैप होता क्या है। तो इसी तरह से फिर हमें मैप के फीचर्स जानने में आसानी होगी। सबसे पहला क्या है? टाइटल। टाइटल ऑफ द मैप टेल्स अस व्हाट द मैप शोज। टाइटल ऑफ द मैप क्या शो कर रहा होता है? बताता है हमें कि मैप में क्या शो हो रहा है। हम टाइटल पढ़ते ही फौरन अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैप में हमें किस चीज़ के बारे में डिटेल दी जा रही है। जैसे कि आपकी बुक में सामने नज़र भी आ रहा है आपको, आपके पास मैप है, किस चीज़ का है? द मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान का मैप है। तो मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के मैप से आपको क्या चीज़ अंडरस्टैंड होती है? ये चीज़ अंडरस्टैंड होती है कि पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ या बड़े शहर कौन कौन से हैं और वो हमें मैप पे कैसे शो हो रहे हैं। द टाइटल ऑफ द मैप टेल्स यू दैट द एरिया मैप्ड इज़ द कंट्री ऑफ अ पाकिस्तान एंड द स्पेशल फीचर्स शोन आर द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान के सिटीज़ के स्पेशल फीचर्स शो कर रहा है, ठीक है, समझ आ गई। टाइटल क्या होता है? टाइटल किसी भी चीज़ का नेम, आप कह लो कि उसको जो नेमिंग हम देते हैं, जो टॉपिक नेम देते हैं, उसको हम टाइटल कहते हैं। टाइटल सिर्फ हम मैप में ही यूज़ नहीं करते बल्कि अपनी लाइफ में भी, यानी कि अपनी बुक्स में। हम अपना कोई काम कर रहे होते हैं, मोबाइल के अंदर हम कोई वीडियो बना के सेव करते हैं, तो हम पहले उसको टाइटल देते हैं, हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है, ठीक है। तो टाइटल हमारा हर जगह पे यूज़ हो रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है? की क्या है? की या सिंबल किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। की वर्ड्स आपने सुना होगा, यानी कि हम किसी को इशारा देने के लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। गेम्स में अक्सर हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पता है जब आप गेम खेल रहे होते हो, आपने किसी दोस्त को कुछ कहना होता है तो आप की उसको कोई इशारा देते हो, कोई की देते हो, ठीक है। तो मैप में भी हम की का इस्तेमाल करते हैं, किस के लिए? मैप को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर जगह मैप पर पूरी पूरी डिटेल लिखें। तो उसके लिए क्या किया जाता है? कीज़ दे दी जाती हैं कि ये अगर आपको ये वाला
निशान नज़र आ रहा हो या ये वाला सिंबल नज़र आ रहा हो मैप में, तो आपको फ़ौरन समझ आ जाता है कि ये इससे रिलेटेड सिंबल है। जैसे हमारे पास जो की दी हुई है, देखें फर्स्ट हमारे पास रेड कलर का स्केयर है। अब ये रेड कलर का स्केयर किसको शो कर रहा है? अगर हम की को पढ़ें तो कह रहा है फेडरल कैपिटल को। फेडरल कैपिटल हमारे पास क्या है? अब आप मैप में सॉर्ट आउट करो, ढूंढो कि फेडरल कैपिटल हमारे पास कौन सा है। तो हमारे पास इस्लामाबाद इज़ द फेडरल कैपिटल, या कैपिटल सिटी ऑफ इस्लाम, कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ द इस्लामाबाद। पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है? इस्लामाबाद है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा आ रहा है ग्रीन कलर का स्केयर। अब ये ग्रीन कलर का स्केयर किसको शो कर रहा है? प्रोविजनल कैपिटल। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एक फेडरल कैपिटल है, यानी कि जो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर, मैन सिटी है, ठीक है। और फिर आगे उसके प्रोवेंसेस हैं, वी हैव 5 प्रोवेंसेस, और हर प्रोवेंस का एक कैपिटल है, ठीक है। हर प्रोवेंस का एक कैपिटल है। अब जो हर प्रोवेंस का एक कैपिटल है, उसको किस किस जरिए ग्रीन स्केयर के ज़रिए शो किया जा रहा है? जैसे कि बलूचिस्तान का कैपिटल आपको क्या नज़र आ रहा है? क्वेटा। अब आप ग्रीन स्केयर्स देखते जाओगे तो ग्रीन स्केयर्स के साथ जो भी नेम लिखा होगा आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये इस प्रोविंस का कैपिटल है। जैसे हमारे पास पंजाब है, पंजाब हमारे पास प्रोमिनेंट वर्ड्स में लिखा हुआ है, ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है। बलूचिस्तान हमारे पास ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है, इसलिए हमें फ़ौरन समझ आ रही है कि ये हमारे पास कंट्री है, सॉरी प्रोविंस है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है, इसको भी हम देख के फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये हमारे पास क्या है? प्रोविंस का नेम है। सिंध हमारे पास कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्या है? प्रोविंस नेम है, ठीक है। गलगित बल्तिस्तान प्रोविंस नेम है। अब प्रोविंशियल कैपिटल्स कौन से हैं? लाहौर, क्वेटा, पेशावर, और सिंध का कैपिटल क्या है? कराची, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, इस मैप में हमारे पास 3 कीज दी हुई हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट की क्या है, क्योंकि 3 कीज इसलिए दी हुई हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। हमें टाइटल से समझ आ रहा है कि हमें टाइटल सिर्फ ये बता रहा है कि हमने इसमें मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, नेक्स्ट देख लें सिटी। अब सिटी यानी कि ब्लैक सर्कल में जहाँ ब्लैक सर्कल्स आपको नेम्स के साथ नज़र आ रहे हैं, उसको आपको समझ आ रही है कि ये पाकिस्तान के या पाकिस्तान के ज़्यादातर मेजर सिटीज़ हैं, बड़े सिटीज़ हैं। जैसे आपके पास मेजर सिटीज़ कौन कौन से हैं? पंजाब में सॉर्ट आउट करें आप, सियालकोट है, शाहबाज और गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोधा, पंजाब तो प्रोविंस है, मुल्तान, पेशावर का हमारा, सॉरी खैबर पख्तूनख्वा में हमारा मेन सिटी पेशावर है। अच्छा, आपको ये फाटा नज़र आ रहा है। फाटा एक एजेंसी का नाम है, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक जो है वो प्रोविंस नहीं है, बल्कि एक मेन एजेंसी है जो कि खैबर पख्तूनख्वा के एरिया से रिलेट करती है, ठीक है। फाटा की बाउंड्री लाइन खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलती है और ये एक एजेंसी है। जैसे एक रियासत या स्टेट, हमारे पास जम्मू कश्मीर की स्टेट है, हमारे कश्मीर के साथ लिंक्ड है, फाटा भी हमारे पाकिस्तान का ही हिस्सा है, ठीक है। ये एक एजेंसी है, ये स्पेसिफिक एरिया का नाम नहीं है। उसके बाद हमारे पास सिंध का मेन सिटी जो है वो हैदराबाद है, ठीक है। बलूचिस्तान में हमारे पास एक ही मेजर सिटी है क्वेटा, बाकी सिटीज़ हमारे पास स्मॉल में आते हैं, ठीक। ओपन योर नेक्स्ट पेज। अच्छा, हमारे पास अब आ गई हैं कीज़ हमने डिटेल से समझ ली हैं, हमें समझ आ गई है कि की होती क्या है। चले हम थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं फिर। एज़ यू लर्न इन क्लास 3, आप क्लास 3 में ये पढ़ चुके हो, वी यूज सैम्बल्स ऑन मैप्स टू शो एक्चुअल प्लेसेस एंड फीचर्स ऑफ ऑन सम मैप्स। द सैम्बल्स लुक लाइक द रियल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अ रिवर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई वेवी लाइन्स। वेवी लाइन्स की मदद से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिवर को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर हम देखें तो हमारे पास कहीं पे भी हम कोई भी मैप पढ़ेंगे तो हमारे जहाँ पे वेवी लाइन्स शो हो रही होंगी, हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि वेवी लाइन्स किसको शो कर रही हैं हमारे पास। अच्छा,
रेलवे सॉरी रिवर वेवी लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट हो रहा है, रेलवे को लैंगस्टेयर के जरिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अच्छा, इस तरह ये सारी चीज़ वही आ जाती है जो मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन की है कि आपके पास सैम्पल्स स्केयर जो है वो आपको सिटी को शो कर रहा है, सर्कल आपके टाउन को शो कर सकता है, डॉटेड लाइंस बॉर्डर लाइन को शो करती हैं, यानी कि हमारा कंट्री की जो बॉर्डर लाइंस होती हैं किसी भी दूसरे कंट्री के साथ लिंक करने के लिए, उसको डॉटेड लाइन की मदद से शो किया जाता है। ऑन अ मैप द की और लेजेंड शोज ऑल द सिंबल्स एंड एक्सप्लेन व्हाट ईच मीन्स, विदाउट अ की इट विल बी इम्पॉसिबल टू रीड द मैप। अगर हमारे पास कीज़ या सिंबल्स नहीं दिए जाएंगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि हमारे लिए किसी भी चीज़ को मैप के अंदर से ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, मैप हम क्यों करते हैं? मैप हमने अगर कहीं पे ट्रैवल करना है, किसी एरिया के बारे में जानना है, तो हम मैप के जरिए आसानी से समझ सकते हैं कि वो उसका फ़र्ज करें अगर उसमें कोई रिवर आ रहा है तो उस किस साइड पर वो रिवर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए। और मैप मोस्टली जो प्रोफेशनली इस्तेमाल होता है हमारी पुलिस और आर्मी और ISI के जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं जब भी किस आर्मी जो है वो बॉर्डर लाइन पे अपनी बॉर्डर लाइन को जो हमारे नेक्स्ट कंट्रीज हैं उनके साथ करने के लिए और उसके नेक्स्ट कंट्रीज़ के साथ लिंक करने के लिए, और अगर हमारा उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैप का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे अगर ये नहीं होंगे तो हम मैप को आसानी से समझ नहीं सकते, हमें मैप को पूरा रीड करना पड़ेगा तभी हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन सैम्पल्स की मदद से हम इजीली मैप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लुक एट दिस कीज आर द सेम सैम्पल्स यूज्ड इन द मैप्स इन योर अटलस। अटलस किसको कहते हैं? नक्शों की किताब। ये एक स्पेसिफिक बुक है जिसमें पूरी वर्ल्ड के नक्शे दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो सैम्पल्स हैं कनाल के लिए ये सैम्पल यूज़ होता है। कनाल किसको कहते हैं? नहर को कहते हैं। ठीक है, पॉन्ड तालाब के लिए, रोड के लिए स्ट्रेट लाइंस हैं, ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान को कहते हैं, मार्श दलदल है। दलदल मीन ऐसी चिकनी मिट्टी जिसके अंदर अगर आपका पाउंड धंस जाता है तो फिर आपके लिए वहाँ से निकलना मुश्किल है। और वेवी लाइंस किसको शो कर रही हैं? रिवर्स को। नाउ आवर लेसन इज़ एंड हेयर। इंशाल्लाह कल हम इसके मज़ीद दो पॉइंट्स जो डायरेक्शन एरो और स्केल हैं फीचर्स ऑफ मैप के वो डिस्कस करेंगे। आपका आज करने का काम क्या है कि आपके पास ये जो कीज़ दी हुई हैं पेज नंबर 26 पे, इनको आपने बहुत नीटली अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना है और उसकी पिक्चर हमें सेंड करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।